बीती 4 फरवरी को किन्नौर के पांगी नाला समीप NH5 से सतलुज नदी की खाई में एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक घायल अवस्था में पाया गया, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर मौके से बाहर निकाला था। वहीं वाहन चालक का शव भी बरामद किया गया था, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से संबंध रखता था। इसके अलावा एक और व्यक्ति अब तक लापता है, जिसकी पुलिस लगातार सतलुज नदी में तलाश कर रही है। लापता व्यक्ति तमिलनाडु का है, जिसकी खोज में अब NDRF की टीम और गोताखोर -15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे के तापमान में सतलुज नदी के अंदर जाकर ढूंढने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें पुलिस और होमगार्ड के जवान भी सहयोग कर रहे हैं। और मंगलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन का 3रा दिन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक लापता व्यक्ति नहीं मिल पाया है। वहीं DC किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि लापता व्यक्ति का नाम वैटरी है, जिसके परिवारजनों ने वैटरी को खोजने वाली टीम और सहयोगियों को 1 करोड़ रुपए इनाम राशि देने की बात कही है। जी हां, 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि देने की बात कही है। अगर जो टीमें रेस्क्यू कर रही हैं, अगर वो टीमें ढूंढ लेती हैं, तो उन्हें जो है 1 करोड़ रुपया देने की बात कही है। और यह बात जो है उन्होंने उनके परिवारजनों ने व्हाट्सएप के माध्यम से कही है, यानी व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके कही है। बता दें कि किन्नौर जिला में तापमान 0 के नीचे लुढ़क गया है और सड़कें फिसलन भरी हो चुकी हैं, जिसमें वाहनों के टायर फिसल रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस दुर्घटना में भी शायद वाहन का टायर फिसला हो और अनियंत्रित होकर वाहन सड़क से नीचे खाई में जा गिरा हो। वहीं DSP किन्नौर नवीन जाल्टा ने बताया कि पांगी नाला समीप वाहन दुर्घटना में लापता व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है, जिसमें NDRF पुलिस और होमगार्ड के जवान लगातार कार्य कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि एक इनोवा हमारी सतलुज में गिर गई है। उसमें 3 यात्री थे, ड्राइवर को मिला के। उसमें से हमारे एक जो गोपीनाथन जी थे, गोपीनाथ जी, वो IGMC शिमला रेफर कर दिए गए थे और वो कॉन्शियस एंड स्टेबल है और IGMC शिमला में ही अभी। जो दूसरे थे तेंजिन जी, आई थिंक वो काजा के रहने वाले थे, उनकी जो बॉडी है वो परसों की रिट्रीव कर ली गई थी। इसके अलावा जो एक तीसरे यात्री थे वित्री, उनका सर्च एंड रेस्क्यू मिशन अभी जारी है और हमको बट अभी तक कोई सक्सेस मिल नहीं पाई। पिछले कल से NDRF की टीम भी उसमें डिप्यूटेड है और इनिशियल एफर्ट्स जितने भी किए उसमें अभी तक हमको सफलता नहीं मिल पाई है। आज वही सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स रिस्टार्ट है। इसमें हमने जो एरिया है, जो पिछले कल तक एरिया था, वो मेजरली हम जहाँ गाड़ी गिरी थी उसके आसपास ही ढूंढ रहे थे। आज थोड़ा सा हमने उस एरिया ऑफ ऑपरेशन को, सर्च एंड रेस्क्यू के एरिया को बढ़ा दिया गया है। उस एरिया को ओवरऑल हमने 5 सेक्टर्स में विभाजित किया है, जिसमें NDRF की टीम्स हैं, पुलिस है, होमगार्ड्स हैं, इवन ITBP एंड आर्मी के जो टीम्स हैं उनको भी डिप्यूट करके सर्च एंड रेस्क्यू में हम लगे हुए हैं। और पूरी कोशिश की जा रही है कि सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को कंप्लीट किया जाए टाइमली। इंडियन नेवी से भी मदद मांगी है, जिसके बारे में कम्युनिकेशन किया जा चुका है। वी आर होपिंग उनके भी ऑफिशियल जो डाइवर्स की टीम है वो भी यहाँ आज शाम तक या कल सुबह तक यहाँ आ जाएगी। एंड वी आर होपिंग कि सर्च एंड रेस्क्यू मिशन है वो जल्द से जल्द कम्प्लीट हो सके। जहाँ तक बात है जो आप घोषणा की बात करें, तो डेफिनेटली जो फैमिली, उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ आ भी रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी शायद आज शाम तक पहुँच जाएंगे और उन्होंने हर संभव जो सहायता हो सकती है उसके लिए उन्होंने हमको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हैं। इवन दे हैव इन वन ऑफ द व्हाट्सएप मैसेजेस, जो उनके फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी वेत्री को ढूंढने में सफल होंगे उनको हम इनाम देंगे, जो कि बात सही है, वो मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से